तो एक दो बातें मुझे दादी की थी कि कहनी है बहुत सारी। यू कैन इमेजिन ना, जिसके हर कर्म में ज्ञान होगा उनका हर कर्म यादगार बनता जाता है। एक बार दादी जी का, ये रिसेंटली बात है, भैरव सिंह शेखावत आए हुए थे मधुबन में। आप जानते हो ना, वो जब वाइस प्रेसिडेंट थे, और आपको पता होगा कि वो इनसे काफी यज्ञ से बहुत क्लोज थे, इन द सेंस कि वहाँ ग्लोबल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी लेते थे। तो क्या हुआ कि सेशन, इनॉग्रल सेशन में भाषण कर रहे थे। भाषण के समय उन्होंने बोला, बात बात में जैसे ज्ञान होता है ना वो, तो कि आत्मा और परमात्मा एक है, आत्मा परमात्मा का अंश है, ऐसे ऐसे। दादी बाजू में बैठी थी, बोला ए भाई तू चुप बैठो अभी। बोला तुमको किसने लाया? तो बोला 80 साल हो गए, ब्रह्मा कुमारियों को कहते आत्मा परमात्मा अलग है, अभी तक तुमको यही नहीं पता तो तुमने क्या ज्ञान सुना? चुप, सारी सभा चुप। बोला पहले तुम कोर्स करो फिर ये बोलो। उसने बोला जी दादी। और उसने, एक दिन का था प्लान, 4 दिन किया, पूरा कोर्स किया, और लास्ट डे जब वो जा रहा था तो उसने बोला कि मैं ये मानता हूं कि ये दिव्य शक्ति ये काम करा रही है, नहीं तो किसी भी हस्ती की ये ताकत नहीं कि आज हमको कोई स्टॉप करे। निर्भयता की शक्ति दादी जान की, कितना हमें प्रेरणा मिलती है। हम कुछ कुछ बातों में हम सोचते, रिलेटिव्स को कैसे बोले, क्या बोले, नहीं पता चलना चाहिए। निर्भयता, क्योंकि भय में, भय भी नहीं है लेकिन पोस्टपोन करते रहते, अभी नहीं बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, हम बहुत टाइम वेस्ट कर देते उसमें। इच्छा, डर भी होता है, डर वैसे डर नहीं है लेकिन उनकी तरफ बन भी नहीं सकते, उनकी बातों को मानते भी नहीं है और डरते भी रहते। ऐसी निर्भयता की देवी। और वैसे झुकना, आज आप वीडियो में देखना कितनी झुकी हुई दादी हर बात में। और तीसरा दादी की स्पेशलिटी, मतलब दादी प्रकाशमणि दादी, बड़ी उम्र में तो जानकी दादी बड़ी, दादी अगर बोल रही है कहीं का भी मुझे कुछ भी लंदन से छोड़कर यहाँ आना है, आई एम रेडी। बाबा बुलाए, दादी बुलाए, आई एम रेडी। दादियों में समान होने पर भी एक दूसरे के प्रति जो प्रोटोकॉल है वो कितना अच्छे से पालन किया। नहीं तो आर्ग्यू कर सकते ना, दादी ने एक कहा, दूसरा बोले नहीं दादी ऐसा, फिर बोले दादी ऐसे बोले, फिर आर्ग्यू करे। प्रोटोकॉल, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं कि दादी ने ऐसा क्यों बोल रही है। इसलिए सूक्ष्म वातावरण होता है घरों में। क्या होता है, हम आर्ग्यू करते रहते हैं तो वातावरण में बहुत स्थूलता आती है। सेवा में सफलता वही प्राप्त करता है जो जो एक ने कहा दूसरे ने माना। एक मत कौन सा है, एक राज्य कौन सा है, ये राज्य। सेकंड, दादी की पता नहीं आप लोगों ने कल सुनी या नहीं सुनी, चक्रधारी बहन की सुनी थी? चलो, जिन्होंने, बहुतों ने नहीं भी सुनी होगी। दादी, एक बार दादी के पास एक आते थे कुमार, फिर बाद में उन्होंने शादी कर दी। होता है वहाँ विदेश में तो ऐसा ही होता है ना, चलते हैं फिर बाद में फिर ये हो जाता है। और फिर उसके बाद बच्चा हुआ, ज्ञान भी छोड़ दिया। उसके बाद में फिर थोड़े समय के बाद, काफी समय के बाद आए बाद दादी से मिलने। फिर दादी ने बहुत अच्छे से रिसीव किया, फिर
फिर पूछा बच्चा कहाँ है, तो बोला बहुत तो रोने लग गए और बोला कि दादी वो तो हमारा पता नहीं क्या पाप है, मैंने हमने पाप किया लेकिन भुगत वो आत्मा रही है, ही इज ब्लाइंड, जन्मांधा है, बचपन से ही अंधा है। तो दादी ने बोला ठीक है आप लेकर तो आओ इसको। अगले दिन लेकर आए दादी के पास, और दादी ने फिर उसको बुलाया। अच्छा फिर भी उसको रखा सामने और दादी ने जल पिलाया, जल पिलाया उसको, अच्छा लगा। फिर गया पेरेंट्स के पास, फिर वापस वो आया, मुझे वो जल दो दादी के पास। तो फिर बाप दादी ने फिर पिलाया, फिर वो गया। तो फिर दादी ने बोला कि ये अंधा कहाँ से है। बोला नहीं दादी ऐसे हमने इतने सारे प्रोसीजर्स हो गए, इतनी सर्जरी हो गई, इतने डॉक्टर्स के पूरे रिपोर्ट्स है। बोला अगर ये अंधा होता तो मैं वापस जल के लिए मेरे तरफ एग्जैक्टली कैसे आ गया, अंधा नहीं है। बोले दादी ऐसे हमने तो पूरा किया ही है डॉक्टर्स का ऐसे। बोला वो कल तक था ना, आज चेक कराना। ठीक है जी दादी, चेक कराया, डॉक्टर ने बोला अब वो अंधा नहीं है, कल तक जरूर वो अंधा था पर आज वो अंधा नहीं, ही गेंड हिज साइट। अच्छा फिर वो तो खुशी खुशी में आए दादी के पास और दादी ने बोला कि अब ये नहीं समझना कि दादी ने ठीक किया, इसका कल तक कर्म भोग था वो चुक तो हो गया, अब इसका ये कर्म भोग मुक्त हो गई आत्मा। कौन से गुण कितनी करावन हार और ज्ञान की क्लैरिटी, नहीं तो इतना सा सूक्ष्म में अभिमान आ सकता था ना कि देखा बाबा ने मुझे निमित्त बनाया या कुछ भी। ये आत्माएं विश्व महाराजन वाली आत्माएं कुछ भी अपने ऊपर लेती नहीं है, न सुख न दुख। तो इसी तरह दादी का जब संकल्प था, ग्लोबल हाउस हुआ तो बहुत सारा धन की जरूरत हुई, तो जितना प्रोजेक्ट था उतना तो नहीं होता था। फिर दादी ने बोला था क्लास में कि सभी बाबा के यज्ञ में जो भी बेस्ट कर सके, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उसके बाद फिर एक भाई ने क्या किया था, युगल थे 25 और 50 ऐसा होता है ना वहाँ कॉम्बिनेशन, युगल 25 के, तो वो थोड़ा वो मतलब कट शॉर्ट करती हूँ स्टोरी को। तो वो बहुत समझदार ऐसे थे, एक बार वो जा रहे थे कहीं रास्ते में, तो कोई गाड़ी का मतलब कुछ वो कोई पिया हुआ था, शराबी था तो गिरा हुआ था उसके कारण कुछ, तो उसने उनको थोड़ा हेल्प कर दिया ये वो, और वो हेल्प कर दिया तो बहुत खुश हुए वो युगल ने, रात के इस टाइम था तो बहुत खुश हो गए। वहां फिर ग्रेटिट्यूड बहुत जल्दी मानते हैं वहाँ विदेशों में ना, कोई बात आप किसी के लिए करो तो। अच्छा फिर बाद में जब वो जा रहा था, वो कुछ सिंगल था ऐसा ही कुछ स्टोरी है, तो जब कोर्ट में पूछा कि आपकी क्या इच्छा है और लास्ट में, तो उसने बोला कि ये 40,000 पाउंड है मेरा, मुझे वो एक कपल को देना है तो जिन्होंने मुझे उस समय मेरी मदद की, क्योंकि उसके बाद उसकी जिंदगी चेंज हो गई कुछ ऐसा था। और फाइनली फिर वो युगल के पास 40,000 पाउंड आए थे, तो उनको मिल गया। और वो एक्चुअली उस समय बहुत गरीब थे जब वो वैसे पहले, तो उन्होंने फिर कहा कि दादी को, बाद में खुश हुए देखो बाबा ने क्या किया जो भी, फिर दादी के पास पूरी स्टोरी बताई, बोला कि दादी ऐसा करो मैं 15,000 पाउंड आपको देता हूँ, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट ग्लोबल हाउस बन रहा है तो मैं देता हूँ आपको इसमें। दादी ने बोला ठीक है,
अच्छा, फिर बाद में दादी के पास वो जब 90 कमरे थे, क्योंकि वो एक महल था, रानी का महल है ऑक्सफोर्ड रिट्रीट सेंटर, तो 90 कमरे थे और उसमें हर कमरे की अलमारी की, फिर मतलब बहुत सारी, एक एक कमरे की कितनी सारी चाबियां, तो ऐसे बहुत सारी चाबियां। तो बोला ये सब दिया, सब पेमेंट पूरा होने के बाद। अब दादी ने कहा इतनी सारी चाबियों को कौन मैनेज करेगा एक एक कमरे में इतना। फिर वो युगल की याद आई, तो हाँ उन्होंने जब 15,000 दिया था तो उन्होंने कहा कि मुझे ना ये ग्लोबल हाउस में एक कमरा, आप मुझे दो कमरा हमको दे देना, तो हम सेवा भी करेंगे और फिर ये भी करेंगे। दादी ने ठीक है कहा। फिर दादी को उस युगल की याद आई तो उसको बुलाया, बोला तुम ये सेवा करोगे कि ये पूरी चाबियां तुम रखो और सारे इसमें ग्लोबल, इसमें ऑक्सफोर्ड रिट्रीट में आपको ही रहना है, बाकी प्रोग्राम्स में लोग आएंगे जाएंगे ये सब है, तो ये सारा आप रखो। तो उसने कहा कि हाँ। फिर एक्चुअली इसके पहले ये हुआ कि बाद में उनको संकल्प आया कि 15,000 क्या करे, बाबा को 40,000 कर दो ना, तो जो भी था वो सब बाबा को कर दिया। तो ये तो ठीक है हो गया, लेकिन फिर दादी को, जैसे दादी ने उनको वो सेवा दी, तो कहाँ वो एक कमरा हो रहा था उनके पास और फिर कहाँ पूरा ग्लोब रिट्रीट सेंटर ही उनके हुआ था। मतलब दादी किस तरह सेवा ले यूज भी करती थी और कैसे एलोकेट करना है, किसको क्या क्या एलोकेट करना है, दादी में कितनी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी। तो ये ऐसी क्या कहेंगे, विश्व महाराजन आत्माएं कैसी होती है, ऐसी होती है। और हर बात में दादी का क्या था, बाबा करा रहा है, कोई भी बात में मैंने किया। वो एक बार वो इस बहन ने कहा, कौन थी, अलका बहन ने बताया कि एक बार वो जा रही थी एयरपोर्ट पे, मतलब और फिर छुट्टी लेने आते ना दादी से, गाड़ी में बैठना ही था तो बैठने वाली थी, तो बोला दादी से छुट्टी ले, दादी मिल रही थी ग्रुप को, दादी के सामने बैठी कि ओम शांति करेंगे, दादी ने बुलाया इधर आओ। अच्छा अभी बताओ कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मेरे में कोई प्रॉब्लम दिखता है, मतलब ऐसे लगता है कि मैं कुछ प्रॉब्लम में हूँ। बोले दादी ये अभी क्या, मुझे तो निकलना है, मैं तो छुट्टी लेने आई हूँ। बोला नहीं वो बाद में, पहले बताओ आपको दिखता है मुझे कोई प्रॉब्लम है। बोला हाँ दिखता है, लेकिन आप उस प्रॉब्लम से बियॉन्ड हो, प्रॉब्लम तो दिखता है पर प्रभाव में नहीं हो। दादी कहती तुम रॉन्ग, मैं इधर हुई नहीं जो मुझे प्रॉब्लम आए, मैं तो रहती ऊपर हूँ। जाते जाते दादी ने उसको, हम लोग को प्रॉब्लम तब फील होता है जब हम नीचे होते हैं, जब है ही ऊपर क्या है, हमारी दादियां विश्व महाराज कंप्लीट राजऋषि बाप समान संपन्न स्थिति, कैसे करना है फिर ऐसे हमारी दर्शन। तो आज हम